नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की प्रदेश महामंत्री 35 साल की मुनेश गोदारा उभरती हुई एक राजनेत्री थी। इतने बड़े पद पर रहते हुए भी वो अपना काम स्वयं करने में यकीन रखती थी। गुरुग्राम के सेक्टर 10 ए स्पेस सोसाइटी के 8वीं मंजिल पर रहने वाली मुनेश गोदारा कुछ ही देर पहले बड़े भाई सुनील कुमार जाखड़ के घर से होकर आई थी। दरअसल छोटे भाई के बेटे की तबीयत खराब थी, उसे ही देखने मुनेश अकेले मायके आई थी। उसके मायके वाले सेक्टर 83 में रहते थे, जो कि उसके फ्लैट से थोड़ी ही दूरी पर स्थित था। उस समय रात के लगभग 8 बज रहे थे। रात गहराती चली गई तो बड़े भाई सुनील जाखड़ ने मुनेश से कहा भी था कि आज रात वो यहीं रुक जाए और सुबह होते ही वो उसे घर पहुंचा देंगे, लेकिन मुनेश वहां रुकने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने बड़े भाई से कहा, भैया भतीजे को देखने आई थी सो देख लिया, तुम तो मेरी दोनों बेटियों की आदत को जानते ही हो, घर नहीं पहुंची तो दोनों सिर पर पहाड़ उठाकर तांडव करने लगेंगी और बगैर कुछ खाए पिए भूखे ही सो जाएंगी, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर कल सुबह मोंटी की दाखिला के लिए आर्मी स्कूल जाना होगा, तुम तो जानते हो भैया आर्मी स्कूल है, वहां का नियम कानून बहुत सख्त होता है, जरा सी लापरवाही हुई तो बेटी का दाखिला होने से रुक भी सकता है। फिर वो वहां से उठी और निजी वाहन से अपने घर लौट आई। मायके से घर पहुंचने में मुश्किल से 20 मिनट का समय लगा था। उस समय रात के 9 बज रहे थे। मुनेश की दोनों बेटियां अपने कमरे में बैठकर पढ़ रही थी। फटाफट कपड़े बदलकर मुनेश सीधे रसोई में जा पहुंची और खाना पकाने में जुट गई। उस समय तक उसका पति सुनील गोदारा अपनी ड्यूटी से नहीं लौटा था, वो एक सुरक्षा एजेंसी में गार्ड की नौकरी करता था। यहाँ पर एक बात साफ कर दे कि मुनेश के पति और उसके भाई दोनों का नाम सुनील था। फर्क सिर्फ इतना था कि मुनेश के पति के नाम के आगे गोदारा लगा हुआ था, जबकि भाई के नाम के आगे जाखड़ था। मुनेश ने रोटियां बना ली थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। मुनेश ने स्क्रीन पर नजर डाली तो वो वीडियो कॉल थी, उसकी छोटी बहन मनीषा ने कॉल की थी। मुनेश गैस बंद करके बहन से बात करने में मशगूल हो गई थी। उसी समय पति सुनील ड्यूटी से घर लौट आया। करीब 16 साल सेना में नौकरी करने के बाद वो वहां से रिटायर हो गया था। रिटायर होने के बाद से वो सुरक्षा एजेंसी में गार्ड की नौकरी कर रहा था। खैर, कमरे में घुसते ही सुनील गोदारा ने बेटियों से उनकी माँ के बारे में पूछा तो बड़ी बेटी प्रीति ने बता दिया कि माँ रसोई में है, खाना बना रही है। बेटी का जवाब सुनकर सुनील जिस हालत में था उसी हालत में रसोई की ओर बढ़ गया। सुनील का मजबूत जिस्म हवा में लहरा रहा था, उसके पांव यहां वहां पड़ रहे थे। उसने रोज की तरह उस दिन भी जमकर शराब पी रखी थी। सुनील किचन के दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि पत्नी दरवाजे की ओर अपनी पीठ करके फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसे पति के आने का आभास भी नहीं हुआ। ये देखकर सुनील का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सुनील ने बीवी को एक भद्दी सी गाली दी। गाली की आवाज कान के पर्दों से टकराते ही मुनेश बुरी तरह से चौंक गई। उसके हाथों से फोन गिरते गिरते बचा। फिर उसने पलटकर देखा, सामने पति सुनील खड़ा था। उसने रोजाना की तरह आज भी जमकर शराब पी रखी थी। उसके पैर डगमगा रही थी। मुनेश कुछ कहती इसके पहले ही सुनील उस पर चीखा, हजार बार मैंने तुझे मना किया था कि तू अपनी आदत सुधार ले, उस कमीने से अपने रिश्ते तोड़ दे, लेकिन तू है कि तेरी मोटी बुद्धि में मेरी कोई बात आसानी से घुसती ही नहीं, लाख समझाता हूँ तेरे भेजे में घुसता ही नहीं। ऐसा कहते ही नशे में चूर सुनील गोदारा ने होलेस्टर से अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और दो गोलियां बीवी के पेट और सीने में दाग दी। गोली लगते ही मुनेश हाथ में फोन लिए फर्श पर धड़ाम से गिर गई और उसके मुंह से आखिरी शब्द निकला, बहन तेरे जीजा सुनील ने गोली मार दी है। इतना कहते ही मुनेश की सांसें थम गई। गोली की आवाज सुनते ही प्रीति और मोंटी दौड़ी भागी रसोई में पहुंची तो देखा माँ चित अवस्था में फर्श पर पड़ी
अपने ही खून में सनी दम तोड़ चुकी है। उसके पापा सुनील गोदारा वहां नहीं थे। दोनों को समझते देर नहीं लगी कि पापा ने मम्मी की गोली मारकर हत्या कर दी है और फरार हो गए हैं। प्रीति और मोंटी को कुछ सूझ नहीं रहा था कि ऐसे में वो क्या करे। माँ के शव के पास दोनों खड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी। अचानक गोदारा के घर से रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी वहाँ जमा हो गए थे। हसमुख मुनेश की हत्या की खबर सुनकर सभी हैरान रह गए थे। इधर तब तक मनीषा ने बहन की हत्या की खबर बड़े भाई सुनील कुमार जाखड़ को दे दी। बहन की हत्या की खबर सुनते ही उन्हें जैसे काट मार गया हो। सुनील आरान फारन में अपने निजी वाहन से मुनेश के घर पहुंच गए। इसी बीच प्रीति अपने बाबा चंद्रमान गोदारा को मां की हत्या की खबर फोन से दे चुकी थी। वो चरखी दादरी में दादी के साथ रहते थे। बहू की हत्या की खबर सुनते ही पिता की बूढ़ी आंखें पथरा गई थी। उनके पांव लड़खड़ा गए सो वो बिस्तर पर ही जा गिरे। उन्हें बेटे की घिनौनी करतूत पर घिन आ रही थी। खैर होनी को कौन टाल सकता था, जो होना था वो तो हो चुका था। बहू की हत्या की जानकारी होते ही ससुर चंद्रभान गोदारा आनंद फानंद में सेक्टर 93 पहुंचे। अब तक ये खबर जंगल की आग की तरह समूचे गुरुग्राम में फैल चुकी थी। मुनेश कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, वो भाजपा किसान मोर्चा की प्रदेश महामंत्री थी, हरियाणा राज्य में तेजी से बढ़ती हुई राजनेत्री थी। राजनीति में उसने अपना अच्छा मुकाम बना लिया था। बड़े बड़े नेताओं से उसके अच्छे संबंध थे। इन्हीं के बल पर वो मजलूमों और गरीबों के हक की लड़ाई लड़ती थी। प्रदेश महामंत्री मुनेश गोदारा की हत्या की खबर मिलते ही सेक्टर 93 में धीरे धीरे भाजपा कार्यकर्ताओं और उसके शुभचिंतकों का जमावड़ा होने लगा था। ससुर चंद्रभान ने थाना सेक्टर 10A के थानेदार संजय कुमार को फोन करके घटना की जानकारी दी। घटना की सूचना मिलते ही थानेदार संजय कुमार आनंद फानंद में फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। उस समय रात के 11 बज रहे थे। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए थानेदार संजय ने घटना की सूचना कमिश्नर मोहम्मद आकिल, DCP चंद्रमोहन, DCP सुमेर सिंह और ACP राजेंद्र सिंह को दे दी। इधर भाजपा कार्यकर्ता हत्यारे पति सुनील गोदारा को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। मौके पर नारेबाजी कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को उन्होंने समझा बुझाकर शांत किया और उन्हें भरोसा दिया कि जल्दी से जल्दी हत्यारा पकड़ लिया जाएगा, कानून को अपना काम करने दे। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद वे शांत हुए। पुलिस ने शव का निरीक्षण किया, शव चित अवस्था में था। मृतका के हाथ में मोबाइल फोन था। पुलिस ने सबसे पहले मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिया, फिर किचन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान मौके से कारतूस के 2 खोखे बरामद हुए। पुलिस ने मृतका मुनेश की दोनों बेटियों प्रीति और मोंटी से हत्या के बारे में पूछताछ की। दोनों ने पिता के ऊपर आरोप लगाते हुए मां को गोली मारने की बात कही थी। मतलब साफ था कि पति सुनील गोदारा ने ही मुनेश की गोली मारकर हत्या की थी। घटना को अंजाम देने के बाद वो मौके से अपनी एसेंट कार में बैठकर फरार हो गया था। पुलिस ने मौके की कार्रवाई निपटाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। मृतका के ससुर चंद्रभान गोदारा ने बहू की हत्या के लिए अपने बेटे सुनील गोदारा और भाजपा नेता बंटी गुज्जर और उसकी बीवी अन्नू गुज्जर के खिलाफ लिखित शिकायत थानेदार संजय कुमार को दे दी। उनकी तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों सुनील गोदारा, बंटी गुज्जर और अन्नू गुज्जर के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ये बात 8 फरवरी 2020 की है। अगले दिन आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी थी। वो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मामला तूल पकड़ने लगा था। पुलिस बंटी गुज्जर और उसकी बीवी अनु को गिरफ्तार कर रहे उसके घर कादरपुर गई तो दोनों पति पत्नी मौके से फरार थे। आरोपियों को पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। जांच पड़ताल में पुलिस को इतना पता चला था कि सुनील गोदारा और उसकी बीवी मुनेश गोदारा के बीच रिश्ते काफी समय से खराब चल रहे थे। पत्नी मुनेश के भाजपा नेता बंटी गुज्जर से मधुर संबंध थे। ये बात बंटी गुज्जर की बीवी अन्नु को भी पता थी, लेकिन पति सुनील ये बात पसंद नहीं करता था। इसी को लेकर पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। ये बात किसी से छिपी नहीं थी। पुलिस ये मानकर चल रही थी कि मुनेश की हत्या प्रेम संबंधों की वजह से हुई है। मुनेश की कॉल डिटेल्स में बंटी के साथ लंबी लंबी बातचीत करना पाया गया था।
यही हत्या की मूल वजह मानकर पुलिस ने अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाई। आरोपी सुनील गोदारा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी, लेकिन वो पुलिस की पकड़ से बहुत दूर था। ऐसा नहीं था कि पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई थी, उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने मुखबिरों का भी जाल बिछा रखा था। बात 15 फरवरी 2020 की है, दोपहर का समय था, थानेदार संजय कुमार थाने में मौजूद थे। तभी एक चौंका देने वाली खबर उनके खास मुखबिर ने दी। उसने बताया कि मुनेश का हत्यारा सुनील गोदारा हयातपुर चौक पर घूमता हुआ देखा गया है, जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है। फिर क्या था, संजय कुमार मुखबिर की सूचना पर उसके द्वारा बताई गई जगह पर आवश्यक पुलिस बल के साथ पहुंच गए। उन्होंने चौक को चारों ओर से घेर लिया ताकि आरोपी मौके से भाग ना सके। सभी पुलिस वाले सादे पोशाक में थे ताकि आरोपी उन्हें आसानी से पहचान ना सके, और हुआ भी यही, सुनील गोदारा गिरफ्तार कर लिया गया। हत्यारे पति सुनील गोदारा के गिरफ्तार होने की सूचना थानेदार संजय कुमार ने पुलिस अधिकारियों को दे दी। तब एसीपी राजेंद्र सिंह सूचना पाकर थाना सेक्टर 10 से पूछताछ के लिए पहुंच चुके थे। उन्होंने सुनील से पूछताछ करनी शुरू की तो उसने बिना हिला हवाली के अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उसी ने बीवी की हत्या की थी। हत्या की वजह उसने बीवी का नैतिक पतन बताया था। उसने उन्हें बताया कि उसके लाख मना करने के बाद भी वो अपने आशिक से नैन मटक्का करने से बाज नहीं आ रही थी, जिसके कारण परिवार टूट रहा था। इसके बाद उसने घटना की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, वहां से उसे जेल भेज दिया गया। सुनील के अलावा दोनों आरोपी बंटी गुज्जर और उसकी बीवी अन्नू अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर थे। मुनेश गोदारा हत्याकांड की कहानी कुछ इस तरह से सामने आई। 35 साल की मुनेश गोदारा मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली थी। उसके घर में माँ बाप और चार भाई बहन थे। सबसे बड़ा भाई सुनील कुमार जाखड़, उसके बाद खुद मुनेश, उससे छोटा विमलेश और छोटी बहन मनीषा थी। बचपन से ही मुनेश कुशाग्र और प्रखर बुद्धि की थी। पढ़ने लिखने से लेकर बातचीत के कौशल तक सब कुछ अलग था। जिस काम को करने की एक बार ठान लेती थी, अपनी हिम्मत और साहस के बदौलत उसे करके ही दम लेती थी। समय के साथ जवान हुई मुनेश की शादी साल 2001 में चरखी दादरी के चंपापुरी में रहने वाले पूर्व फौजी चंद्रमान गोदारा के इकलौते बेटे सुनील गोदारा से हुई थी। चंद्रमान के इलाके में बड़ी पहचान थी। नियम और उसूल के पक्के चंद्रमान ने सालों तक आर्मी में नौकरी करते हुए शराब को पीना तो दूर की बात, कभी हाथ भी नहीं लगाया था, ना ही ऐसे लोगों को वो पसंद करते थे। वो इकलौते बेटे सुनील को भी अपनी तरह देखना चाहते थे। उन्होंने बेटे को अच्छी तालीम दिलाई और सीख भी दी कि जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी शराब मत पीना। तब सुनील आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था। उसी दौरान बहू के रूप में मुनेश गोदारा परिवार में आई। बीवी के आने के बाद सुनील के बंद भाग्य के दरवाजे खुल गए थे। उसकी आर्मी की नौकरी पक्की हो गई थी। ससुर चंद्रभान बहू मुनेश को साक्षात लक्ष्मी मानते थे। उसके शुभ कदमों से घर में खुशियों ने अपने पांव पसार दिए थे। इसलिए चंद्रभान उसे बहू कम बेटी ज्यादा मानते थे। रही बात सुनील की तो वो परिवार से मिलने बीच बीच में आता रहता था। इस बीच मुनेश ने दो बेटियों प्रीति और मोंटी को जन्म दिया। बाद के दिनों में चंद्रवान रिटायर होकर घर आ गए। आर्मी से रिटायर चंद्रवान गोदारा का घर संसार बड़े हंसी खुशी से चल रहा था। पैसों की घर में कोई कमी नहीं थी। बेटा कमा रहा था, ससुर की अच्छी खासी पेंशन थी, और क्या चाहिए था। प्रीति और मोंटी बड़ी हो रही थी। बेटियां बड़ी और समझदार हुई तो मुनेश गृहस्थ आश्रम से बाहर निकलकर समाज के लिए कुछ करने के लिए लड़ाई होने लगी। मुनेश की सहेली अन्नू गुज्जर भारतीय जनता पार्टी में काफी दिनों से जुड़ी हुई थी। उसके पति बंटी गुज्जर भाजपा के पुराने सिपाही थे। सहेली को देखकर ही मुनेश के मन में ख्याल आया था कि वो भी राजनीति में कदम रखे और गरीब बेसहारों के लिए एक मजबूत कदम बने, उनकी बुलंद आवाज बने। लेकिन ये मुनेश के लिए आसान नहीं था। वो ये सोच रही थी कि पता नहीं पति इसके लिए तैयार होंगे भी या नहीं। उसी समय उसके मन में एक विचार कौंधा और उसकी आंखों के सामने ससुर का चेहरा तैरने लगा। उसे विश्वास था कि ससुर उसकी बातों को कभी नहीं टाल सकते, वो जरूर उसकी भावनाओं को समझेंगे। एक दिन समय और अवसर देखकर मुनेश ने ससुर जी के सामने अपने मन के भाव प्रकट कर दिए। उसने कहा कि उसकी इच्छा है, वो राजनीति में जाना चाहती है।
इसके लिए आपकी इजाजत और आशीर्वाद दोनों की जरूरत है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने कदम आगे बढ़ाऊं। ससुर चंद्रमान बहू की बात सुनकर असमंजस में पड़ गए। काफी सोचने और समझने के बाद उन्होंने बहू को राजनीति में जाने की हरी झंडी दिखा दी। ससुर की ओर से मिली हरी झंडी से मुनेश के हौसले बुलंद हो गए और उसने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये सब उसकी सहेली अन्नु और उसके पति बंटी गुज्जर के द्वारा संभव हुआ था, इसलिए वो दोनों के एहसान मानती। ये बात साल 2013 की है। यही से मुनेश गुजारा के बुरे दिन शुरू हो गए, जिसके चलते उसके जीवन में उठापटक होने लगी। मुनेश ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस राजनीति की चकाचौंध में उसके पांव बढ़ते जा रहे हैं, इसी राजनीति के कारण एक दिन उसका हंसता खेलता परिवार बिखड़ जाएगा और उसकी सांसों की डोर उसके जिस्म से जुदा हो जाएगी। अपनी मेहनत और लगन की बदौलत मुनेश गुजारा कम समय में राजनीति के महारथियों के बीच अच्छी खासी जगह बना ली थी। जल्दी उसे चरखी दादरी की जिला अध्यक्ष बना दिया गया था। ये सब बंटी गुज्जर की मेहरबानियों की बदौलत संभव हुआ था। बंटी गुज्जर पार्टी का बड़ा नेता माना जाता था, पार्टी में उसकी ऊंची पकड़ थी, बड़े बड़े नेताओं से उसके अच्छे संबंध थे। जिस दिन से बंटी गुज्जर ने मुनेश गुजारा को देखा था, उसी दिन से वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था। जबकि इसके विपरीत मुनेश उसका दिल से सम्मान करती थी, क्योंकि उसी की बदौलत उसे राजनीति में बड़ा कद और पद मिला था। उसके इसी सम्मान को वो अपने लिए प्यार समझने की भूल कर बैठा था। बंटी को मुनेश से जब भी बात करने की तलब होती थी वो कर लेता था। पार्टी में धीरे धीरे ये बात फैल गई थी कि नेताजी बंटी गुज्जर और जिला अध्यक्ष मुनेश गुजारा के बीच मोहब्बत की मीठी आंच पर प्यार की खिचड़ी पक रही है। मुनेश अभी भी इस बात से अनजान थी कि नेताजी के मन में उसे लेकर क्या खिचड़ी पक रही है। फिजाओं में तैरती हुई मोहब्बत का ये पैगाम मुनेश के सोहर सुनील गुजारा तक जब पहुंचा तो वो आग बबूला हो गया था। पहली बात तो ये थी कि उसे बीवी का राजनीति में जाना गवारा नहीं था। दूसरे, जब उसने सुना कि उसका अफेयर किसी नेता के साथ चल रहा है तो उसके तन बदन में आग लग गई। बीवी को उसने समझाया था कि वो अपना ध्यान घर गृहस्थी और बच्चों के बीच में लगाए, ये राजनीति की दुनिया शरीफों के लिए नहीं है, उसका चक्कर छोड़ दे। राजनीति के जिस मुकाम तक मुनेश पहुंच चुकी थी वहां से वापस लौटना शायद उसके लिए उतना आसान नहीं था जितना आसान उसका पति समझता था। सालों का लंबा सफर तय करके वो जिला अध्यक्ष से प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री बन चुकी थी। अपनी असीम महत्वाकांक्षा की वजह से ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निकट तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद उसे भाजपा किसान मोर्चा का प्रदेश महामंत्री बना दिया गया था। राजनीति की ऊंचाई पर पहुंची मुनेश ने पति से दो टूक कह दिया था कि राजनीति से वापस लौटना उसके लिए आसान नहीं होगा। वो सियासत में रहकर ही अपना घर संसार और बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से कर सकती है, लेकिन राजनीति से अलग होने के लिए उस पर दबाव ना डाले। दोनों के बीच में यहीं से विवाद की नींव पड़ी थी। सुनील गुजारा एक सैनिक था, उसके रगों में भी एक आर्मी पिता का खून दौड़ रहा था। भला वो बीवी के इनकार को कैसे सहन कर सकता था। उसने बीवी को समझाया कि अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा है, वापस घर लौट आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुनेश ने साफ मना कर दिया कि वो सियासत के बिना नहीं रह सकती। इस दौरान मुनेश ने अपने नाम पर भिवानी के बाड़ा इलाके में दो फ्लैट खरीदे थे, पति को इसकी जानकारी दे दी थी। पति पत्नी के बीच बंटी गुज्जर के प्रेम संबंधों को लेकर तूफान खड़ा हो चुका था। मुनेश ने पति को सफाई भी दी थी कि उनके बीच में ऐसा कोई नाजायज रिश्ता नहीं है जिससे समाज में उनकी हसाई हो। उनके बीच के रिश्ते गंगा जल की तरह पवित्र है, लेकिन सुनील इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं था कि बीवी जो कह रही है वो सच है। उसके मन में दोनों के बीच अनैतिक संबंधों को लेकर शक का बीज अंकुरित हो चुका था। मुनेश और सुनील के शांत और सुखद जीवन में बंटी को लेकर तूफान आ चुका था। बात बात पर पति पत्नी के बीच में तू तू मैं होती रहती थी। इस बीच मुनेश ने समझदारी का परिचय दिया। उसने ससुर की सहमति पर चारखी दादरी वाला घर छोड़ दिया और परिवार सहित गुरुग्राम में स्पेस सोसाइटी के सेक्टर 93 में फ्लैट लेकर किराए पर रहने लगी। सास ससुर चरखी दादरी में ही रहते थे। उनका जब बच्चों से मिलने का मन होता था तो वे बच्चों के पास सेक्टर 93 आ जाते थे और उनसे मिलकर वापस अपने घर चले जाते थे। बात सन 2018 की है। सुनील गुजारा रिटायर होकर घर आ गया था।
रिटायर के बाद खाली बचे समय में उसने एक सुरक्षा एजेंसी में गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली थी ताकि उसका समय अच्छे से बीते और दो पैसों के लिए मोहताज ना रहे। वैसे भी पति पत्नी के बीच सालों से अनबन चलती आ रही थी। उनके बीच मतभेद प्रकाष्ठा पर थे। दोनों के प्यार के बीच में नफरत ने जगह ले ली थी। ऐसे में उनके बीच एक और सर्पकाल कुंडली मारकर बैठ गया था जिसकी आग में सुनील भड़क उठा था। दरअसल मुनेश अपने नाम से भिवानी में लिए गए दोनों फ्लैट को बेचकर एक क्रेटा कार खरीदना चाहती थी जिसे वो पार्टियों में शिरकत कर सके। हालांकि पति सुनील के पास उसकी अपनी खुद की कार थी लेकिन खराब रिश्तों के कारण मुनेश पति की कार में ना तो बैठती थी और ना ही उसकी कार को लेकर कहीं जाती थी। भिवानी के बड़ा वाले फ्लैट बेचने को लेकर दोनों के बीच झगड़े होने लगे। पति सुनील कीमती फ्लैट बेचने को तैयार नहीं था जबकि मुनेश अपनी ही जिद पर अड़ी हुई थी कि वो फ्लैट बेचकर क्रेटा कार खरीदेगी तो खरीदेगी, उसे कार खरीदने से कोई रोक नहीं सकता। मुनेश की इस जिद ने सुनील के गुस्से को और भड़का दिया। उसने भी बीवी से कह दिया कि देखता हूँ तुम फ्लैट कैसे बेचती हो। इस बात को लेकर घर में पति पत्नी के बीच महासंग्राम छिड़ गया था। सुनील की जिंदगी कड़वाहट से भर गई थी। एक तो बीवी के अफेयर को लेकर वो पहले से परेशान था, दूसरे करोड़ों रुपए के फ्लैट बीवी औने पौने दामों में बेचने जा रही थी। बीवी की करतूतों से सुनील बुरी तरह से आजीज आ चुका था। जिंदगी को थोड़ा सुकून देने के लिए उसने शराब को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वो शराब पीने लगा था। इसी शराब के नशे में धुत होकर 8 फरवरी 2020 की रात 9 बजे के करीब सुनील घर लौटा तो कमरे में पत्नी को ना पाकर उसने दोनों बेटियों से उसके बारे में पूछा। बड़ी बेटी प्रीति ने पापा से कहा, माँ रसोई में खाना पका रही है। बेटी का जवाब सुनकर सुनील किचन की ओर गया। उस समय मुनेश वीडियो कॉल पर अपनी छोटी बहन मनीषा से हंस हंसकर बातें कर रही थी। सुनील समझा कि वो अपने प्रेमी बंटी गुज्जर से हंस हंसकर बातें कर रही है। फिर क्या था, सुनील शक की आग में धधक उठा। उसने आपा खो दिया और ईर्ष्या की आग में जलते हुए अपनी सर्विस रिवॉल्वर से दो गोलियां मुनेश के पेट और सीने में दाग दी। गोली लगते ही मुनेश फोन में हाथ पकड़े हुए फर्श पर जा गिरी और बहन से आखिरी बार कहा, बहन तेरे जीजा ने मुझे गोली मार दी है। उसके बाद मुनेश का गर्म जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ने लगा। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। सुनील पुलिस से बचने के लिए अपनी कार लेकर वहां से फरार हो गया था। आखिर 7 दिनों की लुका छुपी के बाद 15 फरवरी 2020 को वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद सुनील गोदारा ने बीवी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। सुनील की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त रिवॉल्वर भी पुलिस ने बरामद कर ली है। बीवी की हत्या कर उसने रिवॉल्वर अपनी कार में छिपा रखी थी। उसे बीवी की हत्या का जरा भी अफसोस नहीं था। उसने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा, बीवी का अफेयर बंटी गुज्जर के साथ चल रहा था। मैंने उसे समझाने की बार बार कोशिश भी की थी लेकिन वो नहीं मानी तो मजबूर होकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे बीवी की हत्या का कोई अफसोस नहीं है। पुलिस फरार चल रहे आरोपी बंटी गुज्जर और उसकी बीवी अन्नू को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी थी। मृतका के ससुर चंद्रभान ने बंटी गुज्जर और उसकी बीवी अन्नू के खिलाफ इसलिए मुकदमा दर्ज कराया था कि इन्हीं दोनों की वजह से उनकी बहू असमय काल के गाल में जा समाई थी। तीनों आरोपी सुनील गोदारा, बंटी गुज्जर और अन्नू गुज्जर जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।